बनेड़ा क्षेत्र के सालरिया कला ग्राम पंचायत के श्रीजी का खेड़ा में 2.5 माह पूर्व चोरी के दौरान एक वृद्ध पर धारदार हथियार से हमले के बाद मौत होने के मामले में बनेड़ा पुलिस ने 5 जनों को बापरदा गिरफ्तार किया। आगे अनुसंधान जारी है। थानाधिकारी राजेंद्र ताड़ा ने बताया कि बनेड़ा थाना क्षेत्र के सालरिया ग्राम पंचायत के श्रीजी खेड़ा गाँव में 1 अगस्त की रात चोरों द्वारा 2-3 घरों में चोरी की गई थी, जिसमें एक घर में देर रात को चोर घुसे। इस दौरान घर में बाप बेटी सो रहे थे। चोर सरियों हथियारों आदि से लैस थे। चोरों ने घर में सो रही गृह स्वामी की बेटी के कमर में पहना करौंदा खोल दिया। इस दौरान बेटी की नींद खुल जाने से शोर मचाया। पिता लादूलाल खारोल भी नींद से जग गए। पिता ने चोरों से संघर्ष किया। इस दौरान चोरों ने पिता लादूलाल खारोल के सिर में सरिये से वार कर दिया और अंधेरा का फायदा उठाकर भाग गए। हमले में गंभीर घायल लादूलाल का चिकित्सालय में कुछ दिनों तक इलाज चला और इलाज के दौरान मौत हो गई। बाद में हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ। इस मामले में प्रकाश कंजर, अनिल कंजर मांडल, राकेश कंजर, नारायण कंजर कपासन, चिया उर्फ पप्पू कंजर भदेसर को बापरदा गिरफ्तार किया गया है। जी बताएं। 1-2 अगस्त की रात को घटना है श्रीजी का खेड़ा थाना बनेड़ा, जिसमें कुछ बदमाशान घरों में नकब देने की वारदातें करते हैं। इसी दौरान एक लादू जी खारोल है, उनके घर में घुसते हैं। वो बाप बेटी पास में सोए सोए रहते हैं अलग अलग खान पर। इसी दौरान ये उस जो लादू जी की बेटी है उसके कमर में वो एक चांदी की कणगति होती है बड़ी, वो कंडोरा पहन रखा था। तो ये उसको हथियार के बल पर खुलाते हैं। इसी दौरान वो जब चिल्लाती है तो उसके पिताजी जागते हैं। तो इन बदमाशों में से एक ने वो हथियार से उसके सर पर दे मारे, तो वो लहूलुहान होकर वहीं गिर गए। वहाँ से ये भग गए। सुबह रिपोर्ट आई, मुकदमा दर्ज किया, अनुसंधान कर ही रहे थे, तो 7-8 दौरान लालू जी की मौत हो गई। हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया। आपके खिलाफ लगातार हम काम कर रहे थे। हम परंपरागत पुलिसिंग से, मुखबिरी से, साइबर टीम से। इसी दौरान हमें कुछ महत्वपूर्ण सुराग मिले और हमने स्टेशन मांडल और कपासन और भदेसर, यहाँ के जो संदिग्ध मुलजिम है उनको उठाया और मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ की। तो उन्होंने वारदात स्वीकार किया। और ये 5 जने थे, इनमें एक प्रकाश कंजर मांडल स्टेशन का है, अनिल कंजर मांडल स्टेशन का है, प्रकाश HSB है जिसके खिलाफ दर्जनों मुकदमे हैं जी। और ये जो बाकी 3 लोग हैं वो एक राकेश कंजर कपासन का है, एक चिया और पप्पू कंजर भदेसर थाना चित्तौड़गढ़ का है और नारायण कंजर कपासन चित्तौड़गढ़ का है। सभी लोगों ने मिलकर वारदात करते हैं। ये वारदात के लिए पहले से स्थान तय कर लेते हैं। स्थानीय और बाहरी दोनों टीमें होती हैं। लोकल लोग यहाँ के बसआउट भी जानते हैं और मार्ग भी जानते हैं, इसलिए साथ रखते हैं। घटनास्थल से पहले अपने ये मोबाइल वगैरह सारे बंद करके जाते हैं और मोटरसाइकिलों को 1-2 किलोमीटर पूर्व में छोड़ देते हैं। फिर पैदल ही घरों पर जाते हैं और 1-2 निगरानी रखते हैं, बाकी अंदर वारदात करते हैं। वारदात करने के दौरान क्या करते हैं कि ये जाग होने पर या विरोध करने पर उस पर जानलेवा हमला भी कर देते हैं और फिर भग जाते हैं। और पहले से जो निश्चित स्थान होता है वहाँ पर ये मिलकर अपने जो नकबजने की लूट की जो सामग्री होती है उसको बांट लेते हैं और फिर अपने अपने स्थानों पर चले जाते हैं। सर, इस घटना में कोई बरामदगी हुई है चोरी की? वो सारे अनुसंधान अभी चल रहे हैं और भी कई वारदातों के खुलने की संभावना है जी। थैंक यू जी।